Okay, we were doing narration and we had done assertive sentences and imperative sentences, is it not? So now I am going to start with the next kind of sentence, that is interrogative sentence. So let me start with how to change an interrogative sentence from direct to indirect. See, when we change an interrogative sentence माने question sentences, okay? तो जब हम कोई question sentence को direct से indirect में बदलते हैं, तो सबसे पहला जो काम हमें करना है, वो क्या? कि देखो, direct sentence में जो said रहेगा ना, Ram said to his friend, the boy said to his friend, वो said को हम लोग interrogative sentence में asked में बदल सकते हैं, या हम चाहे तो wanted to know में बदल सकते हैं. Wanted to know, देखो जब भी हम wanted to know लगाएंगे, अच्छा ये हम बाद में बता देंगे, या inquired भी हम लगा सकते हैं. किसके बदले में? Inverted comma के बाहर जो verb है उसको जब interrogative sentence को indirect में change करेंगे, तो set के बदले में हम asked, wanted to know या inquired लगा सकते हैं. अब देखो, interrogative sentence जो है वो दो तरीके के होते हैं. Number one, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मतलब इज वॉज एम आर वेयर कैन कूड विल वुड, ये सबसे स्टार्ट होते हैं. जो क्वेश्चंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको येस नो क्वेश्चंस भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है उसकी आंसर में येस या नो कहना काफी होता है. जैसे देखो, विल यू कम टू माई हाउस, येस कहो नो कहो, इट इज इनफ टू आंसर दैट. इज दिस योर पेन, येस कहो नो कहो, चलेगा. और दूसरा टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. तो आओ हम लोग देखते हैं कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं. नंबर ए, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलियरी वर्ब्स. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ऑक्सिलियरी वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू होता हो तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे. सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ ऑक्सिलियरी वर्ब्स. मान लो एक सेंटेंस है, सपोज वी हैव अ सेंटेंस, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, विल यू कम टू माई हाउस, विल यू कम टू माई हाउस टूडे, क्या तुम आज मेरे घर आओगे. ठीक है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि देखो, असर्टिव सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट कर रहे थे तो हमने दैट लगाया, राम सेड टू हिज फ्रेंड दैट. इंपरेटिव सेंटेंस जब वर्ब से स्टार्ट हो रहा था उसमें हम लोग दैट नहीं लगाए, उसमें हम लोग टू लगाए. लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट हो रहा था उसमें हम लोग दैट लगाए. लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे उसमें कभी भी दैट नहीं लगेगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी दैट नहीं लगाएंगे. तो क्या करना है, देखो, राम सेट के जगह पे लिखेंगे आस्क्ड. अब एक चीज ध्यान रखना, जब आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड के पीछे ये टू नहीं होगा, राम आस्क्ड मी, नो टू. अगर वांटेड टू नो लिखेंगे तो वांटेड टू नो के पीछे फ्रॉम लगाना पड़ता है, वांटेड टू नो फ्रॉम. और अगर इंक्वायर्ड लगाओगे तो इंक्वायर्ड के पीछे ऑफ लगाना पड़ता है, इंक्वायर्ड ऑफ. तो देखो, राम आस्क्ड मी, नाउ सी द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब. अगर कोई सवाल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता हो तब हमें क्या करना पड़ता है, दैट के जगह पर इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या लगाएंगे, या तो इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे, कोई एक. दैट के जगह पे हम लोग राम आस्क्ड मी दैट, ये दैट नहीं लिखेंगे, दैट के जगह पर या तो इफ लगाएंगे नहीं तो वेदर लगाएंगे. उसके बाद देखो, सवाल यू को पूछा जा रहा है, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा और जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा. तो यू मतलब क्या, यू तो प्रोनाउन है, ये चेंज होगा.
सवाल मुझे पूछा जा रहा है, राम ने मुझे पूछा क्या तुम मेरे घर आओगे, तो जब हिंदी में इनडायरेक्ट करेंगे, राम ने मुझे पूछा मैं उसका घर जाऊंगा या नहीं, तो यू हो जाएगा आई, और देखो इनडायरेक्ट में टेंस चेंज करना पड़ता है, तो विल का हो जाएगा वुड, इफ आई वुड कम टू माई हाउस, यहाँ पे माई कौन है, राम, तो राम ने मुझे पूछा कि मैं उसका घर जाऊंगा कि नहीं, तो माई विल चेंज इन टू हिज हाउस, टूडे का क्या हो जाएगा, टूडे विल चेंज इन टू ऑब्वियसली दैट डे, टूडे विल चेंज इन टू दैट डे, तो हो गया, राम आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वुड कम टू हिज हाउस दैट डे। अच्छा अब हम आते हैं दूसरा पेज, एक मिनट थोड़ा मैं पेज को सेटअप कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो नाउ आई विल कम टू द सेकंड एग्जांपल, लेट मी कम टू द सेकंड एग्जांपल नाउ। मान लो एक सेंटेंस है, सपोज वी हैव अ सेंटेंस, सपोज वी हैव अ सेंटेंस, मनी सेड टू स्वामी, मनी सेड टू स्वामी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, हैव यू ब्रॉट द थिंग, ओके, हैव यू ब्रॉट द मैंगो पिकल्स, हैव यू ब्रॉट द मैंगो पिकल फ्रॉम योर मदर, क्या तुमने अपनी माँ से, फ्रॉम योर मदर टूडे, क्या तुम आज अपनी माँ से आम की अचार लाए हो। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मनी, अब तुम सेट के जगह पे आक्स्ट कर सकते हो, अब थोड़ा आक्स्ट के जगह पर हम यहाँ पर, चूंकि पहले वाले एग्जांपल में आक्स्ट लिखे हैं, यहाँ पर हम वांटेड टू नो लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आक्स्ट भी लगा सकते हो, मनी वांटेड टू नो, अब मैंने बोला था कि वांटेड टू नो के बाद फ्रॉम लगाना पड़ता है, तो मनी वांटेड टू नो फ्रॉम स्वामी। अब देखो हैव मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको बाहर से इफ या वेदर लाना है, कोई भी एक लिखोगे तुम लोग, इफ या वेदर, उसके बाद देखो सब्जेक्ट यू है, ये आगे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब यू के पीछे चला जाएगा, तो यू मतलब यहां पर कौन है, स्वामी, तो स्वामी के लिए यू क्या हो जाएगा, वेदर ही, हैव का हो जाएगा हैड, ब्रॉट द मैंगो पिकल, योर प्रोनाउन है, योर चेंज होकर क्या हो जाएगा, हिज मतलब स्वामी का, हिज मदर, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, टुडे विल चेंज इन टू दैट डे। ओके नेक्स्ट सी नंबर थ्री, नंबर थ्री, तो चलो ये हो गया, अब नंबर थ्री में नहीं जाते हैं, तो बाकी ऐसा ही होगा। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स, जो सेंटेंसेस WH वर्ड्स से शुरू होते हैं, सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ WH वर्ड्स, सपोज वी हैव अ सेंटेंस द मैन सेज टू द लिटिल बॉय, द मैन सेड टू द लिटिल बॉय, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, वाई
आर यू, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर अलोन, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर अलोन। तो आदमी ने छोटा लड़के से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर अलोन। तो देखो अब क्या करना है, पहला पार्ट तो आगे जैसा ही, एज यू हैव डन बिफोर, द मैन इंस्टेड ऑफ सेड वी विल राइट द मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय, द मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय। नाउ सी, यहां पे जो क्वेश्चन है वो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता हो तब दैट तो हम यूज नहीं करेंगे, दैट तो यूज करना ही नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता हो तब इफ या वेदर का भी यूज नहीं करना है। इफ अ क्वेश्चन स्टार्ट्स विद अ डब्ल्यू एच वर्ड, वी डू नॉट नीड टू यूज इफ या इफ और वेदर आइदर। हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो डब्ल्यू एच वर्ड है वहां चले जाएंगे। तो सीधा हम लोग यहां पे वाई लिख देंगे, उसके बाद देखो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब उसके पीछे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द मैन आस्क्स द लिटिल बॉय वाई, बॉय यू मतलब लिटिल बॉय है तो ही हो जाएगा, और आर जो है ये पास्ट टेंस हो जाएगा, टेंस तो पास्ट टेंस हो जाता है, आर का वेयर होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ही के साथ तो वेयर नहीं होगा इसलिए वाज हो जाएगा। वाई ही वॉज स्टैंडिंग हियर का क्या होगा, देयर अलोन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। I'll do another example. Suppose we have a sentence. Suppose we have a sentence. The teacher said to the girl. Teacher ne girl se kaha, when will you When will you submit your homework? Teacher ने girl से कहा, तुम कब तुम्हारा homework submit करोगे? तो देखो, the teacher यहां पे said होगा ना, sorry. The teacher asked the girl. सीधा WH word में चले जाना है। जब WH question का direct indirect कर रहे हैं तो that तो होगा ही नहीं question sentence में। जब WH question का direct indirect किया जाता है if या whether का भी use नहीं होता है। तो सीधा हम WH word में चले जाएंगे, when You will, तो देखो ये जो सब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पीछे चला जाएगा। तो when you का क्या हो जाएगा, you, अब यहाँ पे गर्ल की बात हो रहा है तो when she, और will का हो जाएगा she would, when she would submit your का हो जाएगा her homework, when she would submit her homework। तो इस तरह से हमको करना है अगर डब्ल्यू एच वर्ड का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करने वाले सेंटेंसेस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना हो तो। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जाने का पहले मैं एक दो स्पेशल सेंटेंसेस का मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखो सेंटेंसेस कंटेनिंग डू ऑक्सिलरी वर्ब, अगर कोई सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डू हो तब हमको दो तीन चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। ये मैं दो तीन सेंटेंस डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना। मान लो एक सेंटेंस है, आई सेड टू माई फ्रेंड, कॉमा इन्वर्ट कॉमा ओपन, डू यू नो व्हेन द क्लास विल स्टार्ट, क्या तुम जानते हो कब क्लास स्टार्ट होगा।
अब देखो यहां पे सेंटेंस डू से स्टार्ट हो रहा है, डू ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहां पे सेंटेंस है जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इफ या वेदर लाना है, कोई भी एक हम लिखेंगे। उसके बाद देखो रूल क्या है कि सब्जेक्ट आगे आ जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब पीछे चला जाता है। तो यू आगे आ गया, यू मतलब माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड मतलब गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, तो ही या शी कुछ भी लिखो। अब देखो ये डू, डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके पहले हमने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को पास्ट टेंस करके पीछे लिखा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई सेंटेंस में डू या डज हो और डू या डज के साथ नॉट नहीं हो, अगर सिर्फ डू डज है उसके साथ नॉट नहीं है, तो हम लोग इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, डू डज को हम लोग हटा देंगे। तो डू हट गया तो नो का पास्ट टेंस हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। इफ यू न्यू व्हेन द क्लास, विल भी वर्ब है, इसका हो जाएगा वुड, व्हेन द क्लास वुड स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सपोज एक सेंटेंस है, द मैन सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, डोंट यू रिकॉग्नाइज मी, आदमी ने मुझे पूछा क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, तो क्या करेंगे, द मैन आस्क्ड मी, ये मी होगा, सॉरी, द मैन आस्क्ड मी। फिर देखो ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहां पे इफ या वेदर लिखेंगे, इफ। फिर देखो ये यू सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पीछे चला जाएगा, तो यू आगे आ जाएगा, मुझे पूछा गया है, तो यू क्या हो जाएगा, इफ आई। अब देखो मैंने बोला था कि अगर डू या डज के साथ नॉट नहीं है तो डू डज हट जाएगा, लेकिन यहां पे डू के साथ नॉट है, तो डू के साथ अगर नॉट है तब डू रहेगा, इनडायरेक्ट जब करेंगे डू डज पास्ट टेंस हो जाएगा, इफ आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज, और मी मतलब कौन है, मैन, इफ आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, सपोज एक सेंटेंस है, द मैन सेड टू द मैन सेड टू द कैशियर, आदमी ने कैशियर से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, डिड आई गिव यू द मनी, डिड आई गिव यू द मनी, आदमी ने कैशियर से पूछा क्या मैंने आपको पैसा दिया था, तो क्या होगा, देखो द मैन आस्क्ड द कैशियर, आदमी ने कैशियर से पूछा, ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इफ लिखेंगे, इफ। अब देखो अगर कोई सेंटेंस में डिड है, डिड गिव, डिड प्ले, डिड गो, अगर ऐसा है, उसका मतलब है उसका टेंस इज सिंपल पास्ट टेंस, डिड आई गिव, डिड आई गो, डिड आई प्ले, डिड ही कम, डिड ही ईट, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इनडायरेक्ट में चेंज होके क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो डिड गिव, इसका पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड गिवन, अगर डिड ईट होता तो हैड ईटन, अगर डिड प्ले होता हैड प्लेड, तो क्या हो जाएगा यहां पे, इफ आई का क्या हो जाएगा, आई मतलब यहां पे मैन है, तो इफ ही हैड गिवन यू, यू मतलब उसको, कैशियर को, तो गिवन हिम द मनी, अंडरस्टूड। तो बस देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद, आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस,
आई विल गो टू द नेक्स्ट हेडिंग. दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस? गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, फेयरवेल, वेलकम, या तो ये सेंटेंसेस होगा, नहीं तो जो सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू बी हैप्पी, ये सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो हम सेट के बदले में क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे विश्ड, या लिखेंगे प्रेड, या लिखेंगे बेड. आक्स्ट के बदले में, डायरेक्ट सेंटेंस में जो आक्स्ट होगा, इनडायरेक्ट में उसके बदले में ये तीन शब्दों को लिखा जा सकता है. अब आ जाओ हम थोड़ा एग्जांपल्स करते हैं. लेट मी गो टू द फर्स्ट एग्जांपल. सपोज एक सेंटेंस है, द वेटर सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा ओपन, गुड मॉर्निंग कॉमा सर, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज्ड. अब देखो एक चीज याद रखना कि डायरेक्ट में अगर सर या मैडम बोला जाए, इनडायरेक्ट में वो सर या मैडम हट जाता है. सर या मैडम हम लोग क्यों बोलते हैं? या तो पोलाइटली बोलते हैं या रेस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं. अगर कोई टीचर को बोला गया, प्रिंसिपल को बोला गया, तो वो रेस्पेक्ट के लिए. यहाँ पे वेटर बोल रहा है मुझे, तो ये पोलाइटली बोल रहा है, तो हम लोग सर या मैडम को हटा के क्या लिखेंगे? द वेटर सर या मैडम के लिए लिखेंगे द वेटर पोलाइटली, तो सर का काम हो गया. अब वेटर ने मुझे क्या किया? विश किया, तो सेट के जगह पे यहां पे लिखेंगे विश्ड. वेटर ने मुझे विश किया, विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस और कुछ नहीं करना है. द वेटर विश्ड मी गुड मॉर्निंग. तो किसी को अगर गुड नाइट बोला गया है, विश्ड गुड नाइट, विश्ड गुड आफ्टरनून, ऐसा लिखेंगे. ओके, अब हम लोग आ रहे हैं सेंटेंस नंबर टू में. मान लो एक सेंटेंस है, द डाइंग सोल्जर सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, गुड बाय कॉमा कॉमरेड्स, गुड बाय कॉमा कॉमरेड्स, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड. सी, तो क्या करेंगे? द डाइंग सोल्जर, प्लीज कीप इन माइंड कि जब भी गुड बाय या वेलकम बोला जाता है, फेयरवेल गुड बाय वेलकम, अगर कोई सेंटेंस में फेयरवेल गुड बाय वेलकम ये तीन बोला जा रहा है, तब हम लोग यूज करेंगे बेड. गुड बाय फेयरवेल वेलकम के लिए हम लोग बेड यूज करेंगे. तो किसको उसने बोला? कॉमरेड्स को. कॉमरेड माने होता है साथी. सो द डाइंग सोल्जर्स बेड हिज सॉरी द डाइंग सोल्जर बेड किसको बेड किया? हिज कॉमरेड्स. द डाइंग सोल्जर बेड हिज कॉमरेड्स गुड बाय. बस दैट्स ऑल. कोई कुछ डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है. नंबर थ्री देखो, मान लो एक सेंटेंस है, द होली मैन सेड, द होली मैन सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ओपन, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ, फुल स्टॉप. अब देखो होली मैन क्या कर रहा है? भगवान को बोल रहा है कि तुम्हें लंबा जीवन दे, मतलब भगवान को वो प्रे कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे? देखो बहुत इजी है. द होली मैन सेट के जगह पे क्या करेंगे? प्रेड. द होली मैन प्रेड दैट. अब देखो जब भी कोई सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट आगे आ जाता है, मे उसकी पीछे चला जाता है. तो गॉड आगे आ जाएगा, दैट गॉड, और पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट में वर्ब पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, तो मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट गिव यू, मतलब
यहाँ पे यू किसको बोला है वो क्लियर नहीं है, तो गिव हिम गिव हर कुछ भी लगा सकते हो, गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ, बस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे ही करते जाना है। लास्ट हम लोग आएंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो ज्यादातर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, ज्यादातर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जब उसको हम लोग इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, एक काम करो ये वीडियो इतना तक रहने दो, बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगला वीडियो में अगला पार्ट में डिस्कस करता हूँ। ओके, थैंक यू।